चंद अमलियार मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल पास करके आए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई साहब। आइए आइए आइए, हाथ से हाथ से आपके माध्यम से। भाई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वहाँ पर क्या टाइमिंग दिया है, किस प्रकार का ग्राउंड है, पूरा आपको बताएंगे भाई साहब, है ना। हम यार इनसे हम पूछेंगे, ये जवाब देंगे। तो अमलियार जी, वहाँ आपने रनिंग में कितना टाइमिंग निकाला? 2:27। 2:27, है ना। और शॉर्ट पुट कितना गया अपना? 6 मीटर में कुछ था, 6.42। अच्छा, अपना टाइमिंग आ गया। लॉन्ग जम्प? लॉन्ग जम्प 4.23। अच्छा अच्छा तो ठीक है। कितना? 2:27। 2:27। उससे पहले यहाँ कितना आ रहा था? 2:26 आ रहा था, और 1 सेकेंड का फर्क पड़ा। तो यहाँ के ग्राउंड में और वहाँ के ग्राउंड में क्या फर्क है? कहाँ पे, सॉरी, आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ था? इंदौर। अच्छा, इंदौर मूसाखेड़ी। दोनों ग्राउंड में क्या फर्क है, यहाँ के ग्राउंड में और वहाँ के ग्राउंड में? सर, ग्राउंड तो सेम ही है, वो थोड़ा सा छोटा लगता है। अच्छा, छोटा लगता है। और मैं क्या 10:30 बज चुके थे और गर्मी थोड़ा। अच्छा, गर्मी की वजह से, बाकी ग्राउंड छोटा लग रहा है। बहुत बढ़िया, हालांकि बराबर रहता है वो आपको थोड़ा लग रहा होगा। तो भाई साहब ने कितना 2:27 का टाइमिंग दिया है, ठीक। तो आपको भी देना है अच्छे से अच्छा, हर आदमी का यहाँ स्वागत किया जाएगा, ठीक। तो हम यार हमारे बीच में है, बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं भाई साहब। आज हमने आपने हमारा भी कद बड़ा किया और पूरे क्लब का भी। तो ठीक है, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत करें। एक बार आप मिशन फिटनेस क्लब में कितने दिन ट्रेनिंग करें बेटा? 20 से 25 दिन। उससे भर्ती होने से, सॉरी, आप ट्रेनिंग यहाँ ज्वाइन किए थे, उससे पहले आपका टाइमिंग कितना आ रहा था? निकाला ही नहीं था, डायरेक्ट आए थे आप। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर आपको? तो क्या खासियत है, आपको कोई शुल्क वगैरह लिया जाता है? तो दोस्तों, जो भी ट्रेनिंग करना चाहता है बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर। और जो भी ट्रेनिंग करना चाहता है, इंडियन आर्मी, मध्य प्रदेश पुलिस, SSC GD का बेहिचक आ सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना बेटा आपके सामने, अरे पूछ सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहे हैं, है ना? यस सर। डॉक्यूमेंट्स में क्या हो रहा है बेटा, ये बताओ। डॉक्यूमेंट में अगर जो रोजगार पंजीयन का है, जो पहले का है, तो वो भी साथ में ले जाना। अगर उसका रेट निकल भी चुकी है ना, तो वो बोल रहे हैं समझ में। यस सर। फॉर्म डाला 3 साल हो गए, जब तो जीवित था ना, तो वो साथ में ले जाना पड़ेगा। और प्रवेश पत्र उसके साथ में, जो रिजल्ट आया था क्वालिफाई का, वो भी साथ। और पूछो पूछो, तुरंत पूछो। ये वाला एडमिट कार्ड और उसका रिजल्ट भी लेके जाना है, जो है ना, और डॉक्यूमेंट भी ले जाने के साथ में। दोनों 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 ओरिजिनल भी चाहिए था, और एक सेट बना के एक फोटो चाहिए। फोटो उसका जो एग्जाम लाइन पे लगाया था वो, या कोई सा भी चलेगा। अभी तो कोशिश करना, नया और पुराना दोनों लेके चलो आप, जो वहाँ अवेलेबल आपको मान ले वो लेके चले जाओ। और किसी को कोई प्रश्न? बाकी सब तगड़े बच्चे हैं। हाँ भैया, आप जब दौड़े थे भाई साहब वहाँ, आपके साथ कितने लोग दौड़े थे? 9 जने दौड़े थे। 10 थे, 10 में से एक का किसी एक्सीडेंट में जिससे जो था। अच्छा अच्छा तो आप जब दौड़े थे तो आपके मन में क्या था, कैसा टाइमिंग लाना था वहाँ, कितना क्या करना था, कैसे आपने लगाया, फर्स्ट राउंड कैसे लगाया, सेकंड राउंड कैसे लगाया, बच्चे पूछ रहे हैं आपसे। फर्स्ट राउंड तो मैंने स्पीड से लगाया था, तो सेकंड में जाकर थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, जैसे भी लास्ट तक 100 मीटर का रहता। अच्छा अच्छा, चलिए भाई साहब, आप जिस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में ध्यान दीजिए। जैसा आप रोज दौड़ रहे हैं, अलग से वहाँ कोई टेक्निक अपनाना नहीं है, हो सकता है वो टेक्निक आपकी धाराशाही हो जाए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जितने साथी आए उधर जुड़ते जाइए, एक लिस्ट बनाते जाइए कितने में से कितने बच्चे हुए,
बहुत बढ़िया मजा आ गया। एक बार फिर जोरदार भारत माता की जय के नारे हो जाए भाई के लिए। बोला भारत माता की जय। चलिए राज सर कराइए छोटू के लिए। फटाफट लाइन। अरे मैंने